राधा रानी जी रोज बरसाने से ब्रज आती थी कन्हैया जी के साथ निधि वन में रास रचाने। एक दिन दोनों रास करके वापस जा रहे थे, तभी कन्हैया जी ने देखा कि राधा रानी के चरणों में ब्रज रज लगी हुई है। सुंदर सुंदर पैर मिट्टी से सने हुए बड़े बुरे लग रहे। कन्हैया ने कहा कि श्री आपके पैर मिट्टी से सने हुए बहुत बुरे लग रहे हैं, लाइए इन्हें साफ कर देता हूँ। और ये कहते हुए कन्हैया राधा रानी के चरणों में बैठ जाते हैं, पर राधा रानी फौरन अपने पैर पीछे करते हुए बोलती है कि रहने दीजिए। तब कान्हा जी को लगा कि वे उनके हाथों से चरण सेवा नहीं कराना चाहती, इसलिए उन्होंने पैर पीछे कर दिए। उसके बाद वो चलते चलते यमुना तीरे पहुंच गए। तब कान्हा जी ने कहा कि अब तो हम यमुना के पास आ गए हैं, चलिए अपने पैर यमुना जी में धोकर इस मिट्टी को हटा लीजिए। तब राधा रानी ने फिर मना कर दिया। अब कन्हैया को ये समझ नहीं आ रहा था कि राधा रानी ऐसा क्यों कर रही है। तब कन्हैया ने राधा रानी से पूछा कि क्या हुआ, आप अपने पैरों से ये धूल क्यों नहीं हटा रही है। तब राधा रानी ने कहा कि एक बार जो हमारे चरणों से लग जाता है उसे हम अपने आप से कभी दूर नहीं करते, अपने से अलग कभी नहीं करते। और कन्हैया ने जैसे ही ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और वो तुरंत राधा रानी के चरणों से लिपट गए और बोले कि मैं भी तो यही चाहता हूँ राधा कि आप मुझे अपने आप से कभी दूर ना करें, ऐसी दयालु और प्यारी है हमारी राधा रानी, इसलिए उनके चरणों की शरण में चले जाना चाहिए, फिर हमारा जीवन उनके हाथ में होता है। तो प्यार से कहिए राधे राधे।